जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मलिक अंसब आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त खैबर टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। आज अंजुमन आरायान पाकिस्तान का अहम तरीन इजलास डॉक्टर शहजाद महमूद की रिहाइशगाह पर मुनक़द हुआ है। लाहौर की ताजर बरादरी की सियासत का बड़ा नाम डॉक्टर शहजाद महमूद की रिहाइशगाह पर आज अंजुमन आरायान पाकिस्तान का अहम इजलास मुनक़द हुआ है, जिसमें तंजीम साजी आरई भाइयों को दरपेश मुश्किलात और उनके हल के लिए असबाब पैदा करने के लिए मुख्तलिफ नकात पर गौर किया गया है। आज अंजुमन आरायान पाकिस्तान की जो सीनियर लीडरशिप है, उन्होंने डॉक्टर शहजाद महमूद की ताजर बरादरी और आरई हजरात के लिए पेश किए जाने वाली खिदमात के इवज उन्हें जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आरायान लाहौर नामजद कर दिया है। आज उन्हें हार पहना कर मुबारकबाद पेश की गई है और इस अज़म का इजहार किया गया है कि जिस जोश और वलवले के साथ वो बिज़नेस कम्युनिटी और आरई भाइयों की खिदमत करते हैं, इस खिदमत का सफ़र वो जारी रखेंगे। मेरे साथ सदर अंजुमन आरायान लाहौर मियाँ जहांगीर साहब मौजूद हैं। मियाँ साहब, ये बताइएगा कि ये किसी से ढकी छुपी नहीं है ये खिदमत डॉक्टर साहब की, जिसके एजाज़ में आज उन्हें जनरल सेक्रेटरी लाहौर नामजद किया गया है। आज पुरतकल्लुफ़ इशाइया भी सारे बरदरी के नाम किया गया, क्या पैगाम दें? बस पैगाम यही है जी कि डॉक्टर साहब के हमने देखा है, इनके इनमें बरादरी का बहुत जज्बा है, तो इन्होंने कहा कि आज मेरे घर पे फंक्शन होगा, तो हम सब ने डिसाइड किया है, मेरी ऊपर भी लीडरशिप साहब ने, कि डॉक्टर साहब जो है ना, हमने इनको वर्कर एज ए नहीं रखना, डॉक्टर साहब को बड़े अहदे पे लेके आना है। बल्कि मैंने तो कहा था मुझे जनरल सेक्रेटरी या मुझे फाइनेंस सेक्रेटरी एक छोटा सा बना दें, तो डॉक्टर साहब को जो है ना वो प्रेजिडेंट बनाएँ। तो सब ने कहा जी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल जो है ना वो इक्वली होती हैं, एक दूसरे के बगैर दोनों नहीं चल सकते। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ डॉक्टर साहब का, इनका जज्बा भी बहुत है बरादरी के लिए, तो इन्होंने आज डिनर रखा है, खाना रखा है, तो इनकी बड़ी मेहरबानी है, ने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया है और इंशाल्लाह हम एक टीम है एक जज्बे के साथ बरादरी की, जहाँ भी जिस कोने में भी होगी, वो वापडा हो, पुलिस हो, एडवोकेट वकालत के लिहाज से हो, लीगल कुछ मामले हो, क्योंकि मैं तो बेसिकली एडवोकेट हूँ, लेकिन हम अपने वकालत में भी हमारा ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 मेरे दोस्त मेरे हल्का बाप ऑफिस में भी बैठे होते हैं, तो इसलिए हम मिल के बरादरी की जिस इलाके जिस जगह पे भी हेल्प होगी हम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आरायान लाहौर डॉक्टर शहजाद महमूद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा एक अहदा है जनरल सेक्रेटरी लाहौर का, यकीनन जिम्मेदारी भी है ताजर बरादरी की सियासत के साथ साथ, अब यहाँ पर भी आपने मुकम्मल अपनी खिदमत अंजाम देनी है, क्या पैगाम दें? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं अपने रहनुमा अंजुमन आरायान पाकिस्तान जनरल सेक्रेटरी चौधरी फजल अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मियाँ जहांगीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे पर एतमाद किया, और इंशाल्लाह ताला भरपूर कोशिश करूँगा कि अपनी बरादरी को लाहौर में इकट्ठा करेंगे और बरादरी की पूरी लाहौर की एक हम बहुत अच्छी टीम सामने लेकर आएंगे। इसके अलावा हम अपने टाउन्स के अंदर यूसी के अंदर अपनी हम बरादरी को इकट्ठा करेंगे, उनकी तंजीम बनाएंगे। इस तंजीम का हमारा मकसद यही है कि हम अपनी बरादरी को मुत्तहिद करें, यकजा करें, और हमारे देखो इस पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, मुश्किल हैं, जब हम एक प्लेटफार्म में सारे दोस्त इकट्ठे होंगे तो इंशाल्लाह हमारे मामला भी बेहतर होंगे और हमारे मसाइल भी हल होंगे। रहमान रहीम, मैं अपने सारे टॉप मैनेजमेंट जो अंजुमन आरायान की है उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया है, और इंशाल्लाह ताला वापडा में किसी किस्म की भी कोई किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आरई भाइयों के लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच। मियाँ जहांगीर साहब, डॉक्टर साहब, अपना नायब सदर साढ़े डायरेक्टर ने वापडा वसीम इकबाल साहब, इन्हें बहुत मेहरबानी इन्हों की, इन्होंने जिम्मेदारी लाई, इन्हें कबूल कर ली है, और मेरे उम्मीद इंशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी जल्दी बरादरी इकट्ठा करेंगे। ये बरादरी फला बहबूद वास्ते वे फंड वगैरह असी किसी को नहीं लै रहे, असी अपना इकट्ठा करते हैं, पूरे पाकिस्तान की आवाम वास्ते इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान महफूज रखे, कोई सैलाब आवे जलजला आए और असी मुकम्मल तामन करते हैं। मियाँ मोहम्मद जकरी एडवोकेट जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारी तरजीहत में तलीम सबसे पहले होनी चाहिए, जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको स्कॉलरशिप मिलने चाहिए, जो नीडी पर्सन है उनकी भी मदद करनी चाहिए ताकि कोई तालीम के शोबे में कोई बच्चा सिर्फ पैसों की वजह से पीछे ना रह जाए। और मैं लाहौर का रहिशी हूँ, प्रॉपर हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले का। आज डॉक्टर शहजाद महमूद साहब को मैं दिल की तह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि भी आज ये अंजुमन आरायान का हिस्सा बने हैं, जिस जोश और जज्बे के साथ क़यादत ने इन्हें
ओहदा दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि भी डॉक्टर साहब इसे मज़ीद मजबूत करेंगे और सारे अराइन बरादरी को साथ लेके चलेंगे। जो तवक्कात क़यादत ने इनके ऊपर रखी हैं ये उन्हें पूरा करेंगे। और एक दफ़ा फिर मैं इनको दिल की तहग्राहियों से मुबारकबाद पेश करूँ। मैं ये एक अज़म का इजहार है एक बार फिर अपनी बरादरी की खिदमत और उनके दुख सुख में बराबर के शरीक होने का ये अज़म है। और आज पूरी जितनी उनकी कम्यूनिटी यहाँ पर मौजूद थी वहाँ आज जनरल सेक्रेटरी लाहौर डॉक्टर शहजाद महमूद पर भरपूर एतमाद का इजहार